Hello students, welcome to Arrowmite channel. Aaj hum seekhenge geography chapter number 6 the importance of ocean part 2. Pichle video mein oceans and climate topic par humne activity ki thi aur us activity par sawal kiye the. Un sawalon ke jawab aaj is video mein hum samjhane wale hain. Agar aap is channel par naye ho to jaldi se subscribe karo aur pass wali bell icon ko dabao taki aapko har chapters ke update milte rahe. हमने आपके लिए प्लेलिस्ट तैयार की है ताकि आप सभी जियोग्राफी के चैप्टर्स लाइन से देख पाओ। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो लेट्स स्टार्ट। आपको पिछले एक्टिविटी से पता चला होगा कि अलग जगहों पर अलग टेम्परेचर होता है। और ये भी पता चला होगा कि अलग जगहों पर अलग-अलग मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर देखने को मिलते हैं, लेकिन आपको यह डिफरेंस कोस्टल रीजन में देखने को नहीं मिलेगा। मेरे कहने का मतलब है कि ओशन और सी रीजन्स में टेम्परेचर का फर्क ज्यादा नहीं दिखेगा, क्योंकि इसका मुख्य कारण है, जब सी वाटर का इवेपोरेशन होता है, तब वाटर वेपर सी से निकलते हैं, जब यह वेपर एयर में होते हैं, तब जो लैंड से हिट निकलती है हिट को यह वेपर अपने अंदर कैद कर लेते हैं। इसी कारण कोस्टल एरिया का टेम्परेचर एक जैसा रहता है। अपने इक्वेटोरियल रीजन और पोलर रीजन के बारे में जरूर पढ़ा होगा। अब स्क्रीन पर ध्यान से देखो, यह अर्थ है और यह सन है। अर्थ के इक्वेटोरियल रीजन में सनलाइट एकदम परपेंडिकुलर यानी कि स्ट्रेट पहुंचती है, इसलिए इक्वेटोरियल रीजन ज्यादा हॉट होता है और पोलर रीजन में सनलाइट स्लांट पहुंचती है याने बहुत कम पहुंचती है, इसलिए पोलर रीजन कोल्ड ही रहता है। इस वजह से टेम्परेचर इम्बैलेंस होता है और हमको अलग जगहों पर अलग अलग टेम्परेचर देखने को मिलता है। इस कारण एयर में हाई प्रेशर का बेल्ट और एक लो प्रेशर का बेल्ट क्रिएट होता है और यह प्रेशर की डिफरेंस की वजह से अर्थ पर विंड ब्लो होती है। इस विंड को प्लेनेटरी विंड कहा जाता है और यह विंड ओशन के वाटर को करंट देती है। यह करंट वार्म करंट या फिर कोल्ड करंट भी हो सकती है। वार्म करंट कोल्ड रीजन के पास बहना चालू होती है और कोल्ड करंट वार्म रीजन के पास बहना चालू होती है। इसका मतलब ओशन करंट इक्वेटोरियल रीजन से लेकर पोलर रीजन तक जाती है या फिर पोलर रीजन से होकर इक्वेटोरियल रीजन तक आती है। इसी वजह से अर्थ पर हीट यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होती है। कोल्ड करंट जब इक्वेटोरियल रीजन की ओर बढ़ती है तब कोस्टल एरिया का टेम्परेचर थोड़ा ठंडा होता है और जब वार्म करंट कोल्ड रीजन में आती है तब टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है। इस कारण से कोस्टल रीजन का टेम्परेचर एक जैसा ही रहता है, ना कम ना ज्यादा। अब एयर कंडीशनर को ही ले लो। हम जब एसी में एक टेम्परेचर सेट करते हैं तब एसी अपनी सेंसर की मदद से उस टेम्परेचर को बनाए रखने की कोशिश करता है। जब अंदर ज्यादा हिट हो तब वो ज्यादा कोल्ड एयर छोड़ के टेम्परेचर ठंडा करता है और ज्यादा ठंडी लगने पर वो कोल्ड एयर कम छोड़ता है ताकि अंदर का टेम्परेचर फिर से गर्म रहे। उसी तरह ओशन भी पूरे अर्थ का कंट्रोलर है। ओशन का एरिया ज्यादा होने की वजह से वेपर भी ज्यादा क्रिएट होती है जो कि हमारे पूरे अर्थ के लिए सर्क्यूलेट करने के लिए काफी है और यह प्रोसेस कंटिन्यूअसली होती रहती है ताकि अर्थ का टेम्परेचर बना रहे। क्या आपको पता है ओशन की वजह से बारिश होती है क्योंकि यह वाटर साइकिल ओशन से चालू होकर ओशन में ही खत्म होती है। फन फैक्ट्स, कोस्टल रीजन में टेम्परेचर एक समान होता है इसलिए इन रीजन्स में पीपल की पॉपुलेशन ज्यादा होती है क्योंकि यहाँ पर क्लाइमेट फूड और मिनरल्स सी से मिलते हैं और यह उनका प्राइमरी ऑक्यूपेशन बन जाता है। क्या आप जानते हैं फ्यूचर में इलेक्ट्रिसिटी ओशन के वेव्स और टाइड से बनाई जाएगी। सॉल्टी सी वाटर को हम ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि ड्रिंकिंग वाटर की स्केयर्सिटी फ्यूचर में ना हो। इस मेथड को दुबई में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने अपना लिया है। क्या आपको पता है सी कोस्ट के दलदली इलाकों में सॉयल सॉल्टी और ह्यूमिड होती है, इसलिए इन इलाकों में मैंग्रोव्स के फॉरेस्ट अच्छी तरह ग्रो होते हैं। मैंग्रोव्स के वुड लाइट और ऑयली होने की वजह से वो ज्यादा टिकते हैं और फ्यूल और शिप बिल्डिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं। मैंग्रोव्स के ट्रीज कोस्टल एरिया और बायोडायवर्सिटी को सी वेव्स से प्रोटेक्ट करती है।
मैंग्रोव्स को कोस्टल टाउन्स के लंग्स भी कहा जाता है क्योंकि वो एयर को फ्रेश और प्यूरिफाई करते हैं। ओशन रिसोर्सेस। हमने पहले देखा है कि सी हमको सॉल्ट और फिश प्रोवाइड करता है, लेकिन इसके साथ हमको मिनरल ऑयल और नेचुरल गैस भी प्रोवाइड करता है। ओशन में अलग अलग टाइप्स के मिनरल जैसे कि आयरन, लिड, कोबाल्ट, सोडियम, मैंगनीज, क्रोमियम, जिंक इत्यादि मिलते हैं। पल, कोरल्स, शेल्स जैसी ऑर्नामेंटल चीजें हमें ओशन से मिलती है, और मेडिकल में उपयोग में आने वाले प्लांट्स भी हमें ओशन से ही मिलते हैं। ओशन ट्रांसपोर्ट। ओशन हमको गुड्स ट्रांसपोर्टेशन में बहुत मदद करता है। सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन शिप्स, ट्रैवलर्स और बोट से किया जाता है। इंटरनेशनल ट्रेड भी वाटर ट्रांसपोर्ट का यूज करके गुड्स को अलग अलग कंट्रीज में पहुंचाए जाते हैं। स्पेन, नॉर्वे और जापान की कोस्टलाइन अच्छी होने के कारण ट्रांसपोर्टेशन को ज्यादा महत्व है। हैवी और बल्कि प्रोडक्ट्स जैसे कि क्रूड ऑयल, रॉ मटेरियल, मशीनरी पार्ट्स, फूड ग्रेन्स इत्यादि के लिए वाटर ट्रांसपोर्टेशन को ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाता है। वाटर ट्रांसपोर्टेशन में फ्यूल ज्यादा यूज नहीं होता क्योंकि ओशन करंट्स शिप के स्पीड को एक्सेलरेट करते हैं, इस कारण शिप कम फ्यूल में ज्यादा दूरी तय करते हैं। ओशन रिलेटेड इश्यूज। अर्थ की सरफेस पर 70.8% एरिया वाटर से ऑक्यूपाइड है। ह्यूमंस अपने फुलफिलमेंट के लिए ओशन का इस्तेमाल करते हैं। इसे हम एनवायरनमेंट में बहुत सारे टाइप्स का वेस्ट क्रिएट करते रहते हैं। यह वेस्ट मटेरियल्स ही एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाता है। कुछ वेस्ट ह्यूमंस ओशन वाटर में डालते हैं जिससे ओशन वाटर पलूट होता है, और बहुत तरीकों से ह्यूमंस ओशन वाटर को पलूट करते हैं, जैसे कि कोस्टल सिटीज का वेस्ट सी में छोड़ना, शिप्स से ऑयल गिरना, शिप्स के वेस्ट मटेरियल सी वाटर में फेंकना, एक्सप्लोटेटिव फिशिंग करना मतलब फिश के पॉपुलेशन से ज्यादा फिश पकड़ना, मैंग्रोव्स ट्रीज को काटना, वाटर माइनिंग की वजह से डिजास्टर क्रिएट होना, इंडस्ट्रीज और सिटीज का सीवेज सी के अंदर छोड़ना, इन सब चीजों से ओशन वाटर बहुत ज्यादा पलूट होता है। कोस्टल रीजन्स में भी ह्यूमंस का खतरा बना रहता है क्योंकि एक्वाटिक एनिमल्स के लिए डेथ ट्रैप्स लगाए जाते हैं। इस वजह से एक्वाटिक एनिमल्स की लाइफ खतरे में रहती है और उनकी प्रजाति लुप्त होने की कगार पर है, जैसे कि ब्लू व्हेल्स, सी टर्टल्स, डॉल्फिन्स इत्यादि। तो इसके साथ यह चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर समझने हैं तो इस चैप्टर का पार्ट 3 जरूर देखिएगा। यह वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके आगे के पार्ट्स देखने के लिए एरोमाइट चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।